हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की तर्ज पर देशव्यापी हरियाली क्रांति अभियान चलाने वाले देश के मशहूर पर्यावरण कर्मी पीपल बाबा कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हरियाली क्रांति का नेक्स्ट मॉड्यूल हरियाली होम्स अभियान चला रहे हैं। इसके तहत लोगों को ट्रेनिंग, बीज खाद दे करके अपने घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये हमारा बड़ का वृक्ष है, बोर्ड जिसको बोलते हैं, बरगद कॉमन भाषा में बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम और अंग्रेजी में। जिस भी व्यक्ति को हरियाली होम्स डेवलप करना है वे लोग हरियाली क्रांति @gmail.com पर मेल करके अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भेज सकते हैं। पीपल बाबा की हरियाली क्रांति टीम उनके घर तक जाएगी, हरियाली होम्स डेवलप करने का प्रशिक्षण, कंपोस्ट खाद व ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बीज का पैकेट मुफ्त में देने जा रही है। हरियाली क्रांति अभियान के मुख्य रणनीतिकार बद्रीनाथ का कहना है, अभी इसे दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया है, धीमे धीमे इसे देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाया जाएगा, इसकी सफलता दिख रही है। हालांकि कोरोना की पहली लहर के आने के बाद से पीपल बाबा के नेतृत्व वाली गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए निरंतर लगी है पेड़ लगाने में काम कर रही है। पिछले साल लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन के ठप होने और लॉकडाउन के नियमों की वजह से मानवीय गतिविधियों के बंद पड़े जाने की वजह से जब पेड़ पौधे लगाए जाने में दिक्कत हो रही थी तो पीपल बाबा ने किसानों को अपनी नर्सरी के पौधों को फ्री में बांट करके पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। पीपल बाबा ने लोगों से यह बताया कि महानगरों में नौकरी करने वाले लोग कृषि कार्य में जुटे हैं, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, इसलिए बाहरी लोग अपने खेतों के किनारे या बंजर जमीनों पर लगाए पेड़ 20 से 25 सालों में उसे आर्थिक स्रोत का एक बड़ा जरिया बनकर के सामने आएगा। इस पूरे अभियान को समझने के लिए, जानने के लिए आपको पीपल बाबा के इस बयान, इस वर्जन को जरूर सुनना होगा जिसमें वो पूरे बेसिक जानकारी दे रहे हैं। कोरोना काल में एक चीज़ पूरे भारतवर्ष ने एक चीज़ सीखी है और पूरे जनमानस ने एक चीज़ सीखी है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी को अगर पूरा करना है, और वो क्यों करना है, क्यों? क्योंकि हमारे जो फेफड़ों की पूरी वेलनेस है और हमारी जो पूरी शक्ति है, प्राण ऊर्जा की शक्ति है, वो सब ऑक्सीजन पर निर्भर करती है ना। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जैसे हमने पिछले जब लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हमारे पास आके वो प्लांटेशन साइट्स पे पौधे नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप लोग हमसे छोटे छोटे पौधे ले जाइए, बीज ले जाइए, खाद ले जाइए, मिट्टी ले जाइए। हम लोगों ने जितनी मदद कर सके हम लोगों ने की, और हरियाली होम्स का एक मॉड्यूल चलाया। हरियाली क्रांति के अंतर्गत हमने हरियाली होम्स का एक मॉड्यूल चलाया। इसके अंतर्गत हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घर में ही अपने ऑक्सीजन जनरेशन कीजिए। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आप अपना घर में लिविंग रूम में भी रख सकते हैं रात को, और दिन में जब सूरज निकलेगा तो उसको बाहर बैल्कनी में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत डूएबल चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि पार्क में आप जा नहीं सकते, बाहर सड़कों पे आप जा नहीं सकते, प्लांटेशन साइट पे आप जा नहीं सकते, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हेल्थ प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी हरियाली खुद जुटाएँ, ऑक्सीजन आप खुद जनरेट करें। इस चीज़ को की तरफ से हम अब एक पर्यावरण महीना बनाने जा रहे हैं। कि मन में व्यापक डर समा गया है, देश के अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड की कमी पड़ने लगी, ऐसे में देश में ऑक्सीजन के निरंतर सप्लाई पर बहस छिड़ गई। कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई कि जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया वहां पर कई जगहों पर लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे आसरा लगा लिया। इसी समय में पीपल बाबा ने नारा दिया है, भविष्य की तैयारी करें, हरियाली होम्स बनाएं।